ललितपुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है और यह जिला उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है और यह जिला बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर स्थित है और इस जिले में रेलवे की आसान पहुंच भी है। उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाला ललितपुर रेलवे स्टेशन झांसी और भोपाल के बीच में स्थित है। दिल्ली से चलने वाली सभी दक्षिण बाध्य ट्रेनें ललितपुर से होकर गुजरती हैं। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जरूर आता है, लेकिन अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग सा प्रतीत होता है और यह चारों ओर से पूर्ण रूप से भारत के मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से संकीर्ण गलियारे के द्वारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जिसके पूर्व में टीकमगढ़ जिला, दक्षिण में सागर जिला तथा पश्चिम में अशोकनगर जिला और शिवपुरी जिला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, ललितपुर का इतिहास बहुत प्राचीन है और यहाँ ऐतिहासिक धार्मिक रूप से कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ललितपुर जिला पहले चंदेरी राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ललितपुर की स्थापना 17वीं शताब्दी में एक बुंदेला राजपूत ने की थी जो ओरछा के रुद्र प्रताप के वंशज थे। लगभग 5,039 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए ललितपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 12,22,000 है, जिसमें 6,41,000 पुरुष तथा 5,80,000 महिलाएं हैं। यह जिला 5 तहसीलों में बटा हुआ है। पहला तालबेहट, दूसरा ललितपुर, तीसरा पाली, चौथा महरौनी और पांचवा मडावरा। धार्मिक दृष्टिकोण से ललितपुर जिले में 95.27% हिंदू, 2.76% मुसलमान, 0.11% ईसाई तथा 1.75% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। ललितपुर जिले की लगभग 85.64% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा 14.36% जनसंख्या शहर में निवास करती है। इस जिले की साक्षरता दर 63.52% है। इससे यह पता चलता है कि ललितपुर जिले में निवास करने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। इस जिले में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू, बुंदेलखंडी भाषा है। इस जिले में लगभग 15 पुलिस स्टेशन, एक नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायत, 340 ग्राम पंचायत तथा 752 गांव हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई तमाम जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। यदि वीडियो में कुछ छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।